दोस्तों, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए रेलवे नई नई तकनीक का विकास कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, जब भी आप टिकट लेते हैं ऑनलाइन तो उसमें एक QR कोड रहता है। तो दोस्तों, उस QR कोड के माध्यम से आप किस तरह से लाभ पा सकेंगे, इसी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, QR कोड जेनरेट करने की सुविधा है वह जुलाई 2020 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव ने घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों की भांति भी रेलवे में भी QR कोड वाले संपर्क रहित टिकट दिया जाएगा, जिसे स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल फ़ोन से स्कैन किया जा सकेगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बिना संपर्क में आए टिकट आसानी से TT चेक कर सकेगा। ऑनलाइन टिकट लेने वालों को टिकट पर QR कोड को दिया जाएगा और जो टिकट काउंटर पर कागज़ वाला टिकट लेंगे उनके मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाएगा जिसमें QR कोड का लिंक होगा। लिंक खोलने पर कोड दिखेगा और QR कोड TT के द्वारा उसके पास उपलब्ध उपकरण या उसके फ़ोन से स्कैन कर लिया जाएगा। दोस्तों, यह QR कोड आप अपने मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। आपके मोबाइल में QR कोड स्कैनर होना चाहिए। मैंने दोस्तों 19 अक्टूबर का एक टिकट लिया था गोरखपुर से यशवंतपुर का, वो हमारे दोस्त का है। वह टिकट मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ कि QR कोड के मैं अब स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं अपना QR है उसको ओपन करूँगा। दोस्तों, मैं ओपन कर लिया हूँ। अब उसके बाद अब जो मैं स्क्रीनशॉट लिया था मैं उसको उसमें डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था, देखिए स्क्रीनशॉट को इसमें डालते ही दिखा दिया, PNR नंबर दिखा दिया, उसके बाद पैसेंजर नेम दिखा दिया, उसके बाद जेंडर दिखा दिया और उनका एज दिखा दिया। आशा करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि रेलवे बोर्ड क्यों QR कोड दिया है और इससे फ़ायदे क्या हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।